बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी ना गुप्तकाशी जाना होगा। केदारनाथ साइड की जो लाइन है उस लाइन पे कितनी भीड़ है। अभी ये वाला रास्ता भी जो गुप्तकाशी से चुन्नी बैंड का है, ये भी ना वन वे कर दिया है। जो कुंड से ऊपर का रूट है वो बहुत संकरा रूट है और जाम वगैरह ना बहुत ज्यादा लग जाता है। तो सुबह सुबह के नज़ारे कुछ इस प्रकार है चोपता वैली के। तो अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहा है, मैं भी अब जाके उठ रहा हूँ। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ। तो चलिए फिर एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। बाकी अभी शिवांश लोग भी स्कूल जा रखे हैं और मैं अब जाके उठ रहा हूँ। कल रात को भी लगभग 1-1.5 बजे के करीब मैं घर पर पहुँचा, क्योंकि आजकल टूरिस्ट चोपता वैली में ना बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से टाइम लग गया। तो अभी करीब दिन के 11 बज चुका है और गोलू चाय लेके आ चुका है। और गोलू चाय ना फुल भर के ले आया है और दोनों को ले आया है। भैया को थैंक यू बोलो भाई। थैंक यू भाई गोलू। अरे आगे का दांत कहाँ गया? तोड़ दिया रात में। देखो भाई गोलू का दांत ही गायब हो गया। 12 बज चुका है और अभी इतनी तेज धूप हो रही है ना कसम से। और इस वाले साइड में ना धूप ही नहीं है, मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और इस वाली साइड में बिल्कुल भी धूप नहीं है। और बाकी 2-4 दिनों से पूरी जो केदारपुरी है और चोपता वैली है, मध्वेश्वर धाम है, सारी जगह ना एकदम फुल चल रहा है। करीब 3:30 हो चुका है, मेरी तैयारी हो चुकी है मस्तूरा निकलने की। अब एक काम, मुझे ना एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मुझे अभी ना गुप्तकाशी जाना होगा। यहाँ से मुझे भाभी जी औरों को ना गुप्तकाशी छोड़ना होगा। और अब यात्रा तो वैसे बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा है, इतनी भीड़ है कि पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। अब पहले नीचे रोड पे चलता हूँ, गाड़ी लानी है मुझे मस्तूरा से। वैसे इस साइड भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब यात्री इतने ज़्यादा आ रहे हैं। कल रात भी मैंने रात के 1 बजे चोपता मिड पॉइंट से ना 1 बजे आया। तो अब देखते हैं कि केदारनाथ साइड की जो लाइन है उस लाइन पे कितनी भीड़ है। अब मुझे इस वाली गाड़ी को ना मस्तूरा छोड़ना होगा और उसके बाद मुझे जाना होगा दूसरी गाड़ी लेके। वाली जगह पे भी ना जोंक वगैरह होनी शुरू हो गई है और खुजली हो रही थी। मैं सोचा क्या हो रहा है यार, ऐसे कैसे हो रहा है। और ये देखो, अब यहाँ से मैंने दूसरी चाबी ले ली है और अब मैं लेके जाऊँगा इस वाली गाड़ी को। अपने जो ट्रैक की तैयारियां हैं वो भी चल ही रही हैं और आज फिर हम लोगों ने परमिशन वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया है। और कल हम लोगों को अगेन फिर से मेडिकल बनाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पुराना मेडिकल था उसको ना काफ़ी टाइम हो चुका है। तो इस वजह से अभी पहले हम लोगों को मेडिकल भी बनाना है। और अगर कल ही हमारी जो परमिशन है वो हमें मिल जाती है तो परसों हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। वैसे करोखी से ना देवांश औरों ने भी आना था, पर अभी मेरा प्रोग्राम यहाँ सडनली हो गया आने का। तो अगर पहले पता होता तो फिर साथ में आना था हम लोगों ने। अभी ये वाला रास्ता भी जो गुप्तकाशी से चुन्नी बैंड का है, ये भी ना वन वे कर दिया है। और अभी इसमें मतलब हम लोगों ने यहाँ से कुंडे तक ना ऑलमोस्ट 2-3 मिनट या 5 मिनट में पहुँच जाते, पर अभी लगभग आधा घंटा तो लगेगा।
और जब मैं गुप्तकाशी से वापस ही आऊँगा ना तो मुझे चुन्नी बैंड होके आना पड़ेगा इस वाले रूट से, क्योंकि वहाँ से वो डिसेंड कर रहे हैं और जिसको बद्रीनाथ वगैरह जाना होगा तो वो इस रास्ते जा रहा है, बाकी जिसको नीचे देहरादून के लिए निकलना है वो इस वाली जगह से निकल रहा है। अभी इस वाली जगह पे ना पूरा जाम लगा हुआ है और ये साइड में भी ज़्यादा इतना कुछ खास है नहीं, पर यहाँ पे जो इधर से डिसेंड हो रहे ना तो उनकी वजह से ये पूरा जाम लगा हुआ है। अभी औरों को मंदिर मार्ग पे छोड़ दिया है और ये रास्ते की मुझे बहुत टेंशन थी कि इस रास्ते पे जाम वगैरह मिलेगा ना, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बाकी इनको भी छोड़ दिया है और हम लोगों को लगभग 1.5-2 घंटा तो लगा ही घर से यहाँ आने में। बाकी ये रूट जाता है केदारनाथ के लिए और मुझे जाना है इस वाले रूट पे। देखो मैं भी ना गुप्तकाशी से नीचे रोड पे आ चुका हूँ और मैं अभी पहुँच गया कालीमठ बैंड पे। अब यहाँ पे जो ये वाला रूट है इसको ना वन वे कर दिया गया है और रूट पे, और जो ऊपर से आएंगे उनको ना यहाँ से कालीमठ वाले रास्ते से इस पे जाना है और तब जाके ये सामने वाले पेज पे यहाँ पहुँचना है। अब उसके बाद यहाँ से डिसेंड करना है। जो कुंड से ऊपर का रूट है वो बहुत संकरा रूट है और जाम वगैरह ना बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो अभी मैं भी चलता हूँ। क्लाउड लगे हुए हैं, जो सनसेट की जो लालिमा है वो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आप लोग केदारनाथ धाम की ओर आ रहे हो तो कालीमठ भी जरूर जाइए। चलो हम लोग भी चलते हैं। इस वाली जगह से मुझे इधर नीचे जाना होगा, ये पूरी कच्ची रोड है और ये वाला रास्ता है आपका कालीमठ का। ऐसे केदारनाथ का जो मेन रास्ता है उससे अच्छा रास्ता ना ये है। अब देखो मैं भी मेन रास्ते पे पहुंच गया, अब मुझे जाना है इस वाले रूट पे और ये वाला रास्ता जाता है आपका चोपता वैली के लिए और यहाँ से नीचे का रूट जाएगा आपका देहरादून ऋषिकेश के लिए। तो बाकी मैं भी मस्तूरा पे पहुंच ही गया और कल के मुकाबले आज ना बिल्कुल भी रस नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब 0% सौ में से ना 1% होगा जो भी आ रहा है वो ऊपर चोपता से डाउन आ रहा है, बाकी नीचे से ऊपर ना बहुत कम लोग जा रहे हैं। बाकी ये 2-3 दिन की जो भीड़ थी ना वो तो कंप्लीट हो गई है और मैं भी पहुंच गया मस्तूरा पे। बाकी मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए वन टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।